काउंटर नाउन्स रहते हैं उसके मतलब का बात होगी। हंग खोंगी, फाप कहते हैं चावलों को, और इसका काउंटर नाउन है हंग खोंगी, एक प्याला। थू खोंगी, दो प्याले। से खोंगी, तीन प्याले। ने खोंगी, चार प्याले। हंग खुर, खुक कहते हैं सूप को, जो भी सालन होगा सूप होगा उसके लिए खुरत लगाया जा सकता है। खुरत प्लेट या डिश के लिए, दोनों के लिए यूज हो सकता है। हन खुरत, थू खुरत, दो प्लेटें, दो डिशेस। हाँ जी, से बाउल के ऊपर भी है, खोंगी भी है। हाँ, खुरत से खुरत, ने खुरत। फिर ये मखसूस एक फांछी फांछान है, फांछान के साथ जो मखसूस यूनिट लगता है वो है छपशी। क्या जी? छपशी एक प्लेट के लिए, एक प्लेट मछली की है तो साइड डिशेज में शामिल है फिश भी। तू छपशी है तो दो प्लेटें, से छपशी है तीन प्लेटें, ने छपशी है तो चार प्लेटें। छपशी क्या है? प्लेट ये डिश के लिए लगेगा। तो उसके बाद फूलगोभी, फूलगोभी एक डिश का नाम है। तो एक बंदे के खाने के लिए इलबुन लगेगा, इनबुन, इरिनबुन। क्या प्रोनाउंस होगा? इरिनबुन, एक बंदे का खाना। इनबुन, दो बंदों का खाना। सामिनबुन, तीन बंदों का खाना। साइनबुन, चार बंदों का खाना। यानी इनबुन 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 जो है ये किसके लिए लग रहा है? एक के दो का खाना, तीन का खाना, चार का खाना। इसके लिए इल्ली समसा वाली गिनती यूज होगी। इनबुन के लिए याद रखना है हमने कि इसके लिए इल्ली ई समसा वाली गिनती यूज होगी। फिर आ जाते हैं जी हम मुन्हा पार्ट के ऊपर। कोरियन मुन्हा या छोंगबो जो मालूमात, और ये है जी पेज नंबर 121। छोंगबो, छोंगबो का मतलब मालूमात। उम्शिक खाने, और मेन्यू मेन्यू। तो भाई इसमें फिलहाल जो है, क्योंकि हर खाने की तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसकी तफसीलात में बाद में जाएंगे। फिलहाल हम ये सीखें हनशिक किसको कहते हैं। कोरियन फूड, हंगुक कोरिया, हनशिक कोरियन खाने, हंगुंग माल कोरियन लैंग्वेज, हनबुक कोरियन लिबास, हनजी कोरियन पेपर। यानी हन जो है ये कोरिया को जाहिर करेगा, और शिक्षा से शिक निकला है। लिखे नहीं हानसिक, कोरियन खाने। आगे कोरियन खानों को उसी के नाम से याद करेंगे। किमची चिगे, हाँ किमची जो है वो बंद गोभी का अचार होता है, उसकी आगे से डिश है। तो डिशों के नाम आप बस देख लें, है नी। बाकी तफसीलात में हम इस टाइम नहीं जाएंगे क्योंकि पेपर हमारा नज़दीक है। हम लोग डायरेक्ट जो है मेन फूड के ऊपर जाएंगे। चुंगशिक चाइनीज खाने, चुंगुक कहते हैं चाइना को, चुंगुक, चुंगुक चाइना, और चुंगशिक है चाइनीज खाने। चुंगशिक है तो चाइनीज खाने, चुंगशिक, चुंगशिक। इलशिक जापानीज खाने, इलशिक। फुनशिक, फुनशिक का मतलब होता है आटे से बने हुए खाने, चावलों का भी हो सकता है और मकई का भी हो सकता है, गंदम का भी हो सकता है। फुनशिक। आगे जी खानशिक, खानशिक कहते हैं स्नैक्स को। हल्की भूख में जब हम बिस्किट चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? खानशिक। अब देख रहे हैं शिक 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 आ रहा है,
फिर याशिक, याशिक का मतलब होता है लेट नाइट खाना। लेट नाइट खाने क्या क्या है? बर्गर, पिज्जा, चिकन, फास्ट फूड जो है ना वो शौक से खाते हैं। और जी मगरबी खानों को क्या कहते हैं? सोयांग शिक, वेस्टर्न फूड। सोयांग शिक, सोयांग शिक वेस्टर्न फूड। मगरबी खाने सोयांग शिक, मगरबी खाने सोयांग शिक, मगरबी अच्छा जी। उसके बाद जी आपका एक छोटा सा टेस्ट होना है आज 14 का जी। इन लोगों को पहले पढ़ाए गए थे सारे जो है जायके भी, सामने देखे बेटा। शिपसागवा का मतलब 14वां लेसन, ईपीएस टॉपिक फिफ्टी का मतलब एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम ईपीएस। टॉपिक से मुराद टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। और थुटकी का मतलब क्या है जी? सुनाए। अच्छा जी सुनकर निशान लगाना है। थिरुन गोसल खोरशिपशो। इरेसो ईबन का मतलब एक से लेकर दो तक। थाउन क्रीमे भोगो। अगली तस्वीर को देखें। दोस्तों का उसको तलाश करना है जी। हमने अलमाजिन जोस गोसल जुज को मुंतब करें। तस्वीर के मुताबिक क्या दुरुस्त हो गया जी वो देखना है जी। फिलहाल तो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो छोड़ के सेकंड पे आ रहे हैं। सा फुलगोगी। रेडी है जी? यस सर। ईवन इरिन चायो इली सायो साम थारायो सा मेरायो। दोबारा सुनेंगे और कोई मूवमेंट नहीं होगी जब तक चार ऑप्शन नहीं कंप्लीट हो जाते हैं। रेडी? ईमान इरी चायो इली सायो साम थारायो सा मेरायो। जी सुना था नहीं हमने, बताया नहीं कौन सा आंसर है। सब आप खड़ा करेंगे। आप 500 ही गलत है, यानी आपने नियत की हुई है कि एक साथ ही जवाब देना है। जरा सुनिए, जरा नहीं गलत जाके सुने होंगे। आपको मैं निशानियां भी बता रहा हूँ, जो बात मान रहे हैं वो पास हो रहे हैं। आपको लगता है कोई ट्यूनिंग ऐसी करवाई गई है उधर से कि आपने सुनना ही नहीं है। तो भी अभी आपके सामने कल का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप ना सुने इसका मुझे क्या। चार लोग जो है पास हुए, बात मान के हुए ना। सोयो, सोयो, सोयो का मतलब क्या है राणा साहब? सोयो तू कहना याद कर दे, सुन दे, तू दस तेने एनू क्यों नहीं आया आज फोन चलता है तू घर जा रहा ना अज तो। सौ का मतलब जी किताबें बंद करें। सौ का मतलब क्या था? कड़वा होना। आपने उसको कलरफुल नोट्स में जाके कन्वर्ट नहीं किया, सुना नहीं है। सम
थारायो। अब थारायो का मतलब थालदा थालदा याद किया, थारायो का मतलब क्या होना है, मीठा होना। तो आप लोग कैसे याद करेंगे ये? आपसे सवाल है नंबर फोर। मेवायो क्या मतलब? मेवायो किस क्लास से आए आप? इसी में रहते थे शुरू से? हाँ भाई, मेवायो का मतलब क्या है जी? स्पाइसी, मिर्चों वाला है। आपने जायके याद नहीं किए बेटा, क्यों वजह नहीं सुना आपने घर जाके? नहीं सुना था ना आपने? भी नहीं सुना। आपसे सवाल है एक और। चाय क्या मतलब है? चाय आप बताएंगे। चाय आप बताएं। चाय आप जुबान बाहर निकल जाओ। गेट लॉट्स क्योंकि आप हर रोज लेट आते हो। आप क्यों लेट आए भाई? दूसरा कहाँ है? दूसरा कौन है? आप क्यों लेट आए हो? हार रोड क्या है? तो पहले निकल जाते हैं बाद में चले जाते हैं। दोबारा बंद करो भी। अच्छा जी बेटा, चायों का मतलब क्या था? आपसे अब सवाल होगा। सायो क्या मतलब? सायो सायो कड़वा। सायो का मतलब क्या है? कड़वा होना। वेरी गुड। एक ही आप में से सही है, बाकी सारे जो है ना वो याद नहीं कर रहे। तो आज आपको सजा मिलेगी जी, आपको भी मिलेगी जी, चाहे आप इस क्लास में कितनी देर से हो गए हैं पढ़ते हुए। आप बताओ भाई शायो का मतलब क्या है? शायो शायो खट्टा, ठीक है ऐसे ही है ना। शिंगो वायो का मतलब क्या है? शिंगो वायो शिंगो वायो मीठा फीका। साम थारायो, थारायो का मतलब क्या है? मीठा होना। स्पाइसी होना। आप जिसके रेफरेंस से आए हो ना उस खान को पूछना जिसके 135 नंबर आए हैं कि कैसे तैयारी की है मैंने, किसकी बात मानी है तो सही हुआ। ये जाके पूछना घर जाके। दोनों दूसरा कहाँ है तेरा? उसी तबीयत ठीक हो जाएगी पेपर तो बाहर। अगला सवाल जी, मैं आज बताता हूँ खान साहब को ना। कहता है कहानी को सुनिए, अगर कोई बंदा इसको सवाल को समझना चाह रहा है तो कहानी को सुनिए और सवाल का दुरुस्त जवाब तलाश कीजिए। तो लिहाजा हमें सवाल नजर आ रहा है तो सबसे पहले तर्जुमा किसका करेंगे? सवाल का। सबसे पहले तर्जुमा किसका करेंगे? सवाल का। तो रेडी है जी? तो योगिनन यहां, और औधि का मतलब होता है कहां। यहां का कहां है? ये कौन सी जगह है? यहां का कहां है? ये कौन सी जगह है? अब हमने सब जगहों पे यही तलाश करना है कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि हमें अब कहानी सुनाई दी जाएगी, कुछ नजर नहीं आ रहा। वो तस्वीर नजर आती होती तो बता देते ना। तो लिहाजा लिसनिंग उसकी इंप्रूव होगी जो लिसनिंग सुनेगा, जिसने डायलॉग घर जाके सुना है, ये तो उसको समझ नहीं आएगी, ऊपर से गुजरेगी। सवाल है, रेडी है नी? आपसे सवाल है। स्पीड को स्लो कर देता हूँ, दोबारा सुनिए। संभव सवाल नंबर
तीन रेडी मो तिलका बिबिंबाप 하나하고 김치찌개 하나 주세요. 네. 비빔밥 하나하고 김치찌개 하나 주세요. क्या बात हो रही है? कहानी सुनी थी जाके? बिबिंबाप 하나하고 김치찌개 하나 주세요. 아지 비빔밥 하나하고 김치찌개 하나 주세요. 아버지. 아니, 가니 소리지? 이거 대주마 배자니 다 아버지 그룹에. 아? 네니 조드메가. 비빔밥 하나하고 김치찌개 하나 주세요. 집부터 아버지. ठीक है. हाँ, तो क्या आंसर होगा फिर? कहाँ पे बातें होंगी? सिक्तांग. कहाँ पे बातें होंगी? ये डिशों के नाम है ना, बिबिंबा और खिमची चीगे, मिक्स चावल जी और किमची का सालन. ये कहाँ मिलेगा मुझे? होटल में, खिक्चांग सिनेमा में, खुंगवन पार्क में, सौजॉम बुक स्टोर में. रेडी जी? तो अब अगला सवाल पढ़ते हैं. तो क्या कह रहे जी वो? योजानन, इसकी फोटो हो चुकी है ना. योजानन मुस, मुस क्या औरत जो है, क्या औरत. पहले सवाल का टाइटल क्या औरत, शुरू में हमने नोट किया. थे जी मोम को शिप क्या खाना, अब पूरी कहानी में हमने बात किसकी सुननी है? औरत की. औरत क्या खाना चाहती है, औरत क्या खाना चाहती है. रेडी है जी? सावन. 전 김치찌개 먹고 싶어요. 수루씨는요? 저는 된장찌개 먹을래요. 누바라 소리에? 4번. 전 김치찌개 먹고 싶어요. 수루씨는요? 아버지는 사리 바테키야. तो हमने क्या तलाश करना था? औरत ने क्या कहा. हाँ जी, आप इस क्लास में बैठे हुए हैं, समझ आ रही है इसकी? किधर का एहसन का लिया? तो उसने क्या कहा? थिंजंग चिके. कहाँ लिखा हुआ है? इतनी सी बात थी, आप परेशान हो चुके हुए हैं कि हमसे नहीं होना. हाँ जी, तो कहाँ पे हाथ खड़ा करें जी? नंबर वन पे. औरत ने क्या कहा? थ्विंजन. और चिगे 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 जो है ना, ये सब सालन है. चिगे 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 जो है वो क्या है? सालन है. अगला सवाल जी, अब कह रहे हैं मर्द को क्या पसंद है. मर्द को क्या पसंद है? अब मर्द को कौन सा खाना पसंद है वो तलाश करना. रेडी है जी? सुमिशन 불고기 좋아해요? 사메 देखे हल करोगे इस पेपर जी? आप नीचे नहीं देखोगे? नहीं, सामने भी वही चीज है, आप उधर से देख चुके हैं सब कुछ. 네, 좋아해요. 투엔 씨는요? 전 안 좋아해요. 전 비빔밥을 좋아해요. 두번 하세요 जी. 수민 씨는 불고기 좋아해요? 수민 씨 불고기 좋아해요? 불고기 पसंद करती हो? 네, 좋아해요. 태연 씨는요? 전 안 좋아해요. 무제 पसंद नहीं है. 전
비빔밥을 좋아해요. 그 मर्द고 क्या पसंद है? एक मर्द और छुआ है यो. तो क्या पसंद है जी? बिबिम्बाप. समझ आ गई बात की? ये थे जी हमारे लिसनिंग के सवाल. और रीडिंग पे कुछ सवाल हो जाए. हमें याद है ना तस्वीर सारी की सारी. तो क्या है जी ये? इस तस्वीर के मुताबिक क्या दुरुस्त है? ऑर्डर. ऑर्डर को क्या कहते हैं? शुमुन. अच्छा जी आप बताएंगे फेदाल को क्या कहते हैं? डिलीवरी. याक्सुक का मतलब क्या? वादा. शॉपिंग मीन शॉपिंग. हाँ रेज करो. उसके बाद जी अगली तस्वीर के मुताबिक हमें सलमान क्या नजर आ रहा है? कोई सीट खाली नहीं है. तो क्या आंसर होगा? सलमान है सारे. हाँ जी सोनीमी उपस्मिता ग्राहक नहीं है. फानशानी उपस्मिता साइड डिशेज नहीं है. शिक्तानी उपस्मिता रेस्टोरेंट नहीं है. छारीगा उपस्मिता जगह नहीं है, सीट नहीं है. तो यही आंसर है ना. आगे जी सवाल नंबर 3. म्योतबुनी से हो कितने अफराद हैं? तुम्योंगी है म्योतबुन है. तुम्योंग ये दो लोग हैं. फिर जी फिरिम पवाना मिक्स चावल एक, फुलगोगी इरिम्बुन एक बंदे का खाना फुलगोगी. हंसी समशिपुन 1:30 हंसी समशिपुन किसको कहते हैं? 1:30. तो क्या आंसर हुआ? कितने लोग हैं? तो इतने लोग हैं. जब भी मैंने बताया कि जो काई होगी उससे पहले उसका काउंटर नाउन काउंट गिनती और उसके बाद काउंटर नाउन. आई कहते हैं मोदरिल कायो क्या पेश करो? मोदरिल कायो. हाँ तो वो क्या कह रहा है? खिमची चिगे चुसेयो खिमची का सालन. तो किताबें खोल के लिख सकते हैं अगर किसी को नहीं पता तो. मोद रिल कायो क्या पेश करो? हमेशा थ्रिल कायो का जवाब 90% छुसेयो में होगा. क्या बता रहा हूं? थ्रिल कायो का जवाब 90% छुसेयो. थ्रिल कायो का जवाब 90% छुसेयो. ओके किमची चिगे चुसेयो किमची का सालन दे दीजिए. ने इस्सा जी हाँ है. छोगुम में वो थोड़ा स्पाइसी है. आनियो नहीं. आंचो आयो पसंद नहीं करता. पसंद नहीं करता. मोबल क्या खाओगे? मोबल क्या खाओगे? अब क्या खाओगे वो कुछ डिश का नाम बताएगा ना. तो क्या खाएगा? बिबिम्बाप मोगल ले मिक्स चावल खाऊंगा. चिगम मोगल ले अभी खाऊंगा. चिगम मोगल ले छेगा मोगल ले मैं खाऊंगा. नहीं भाई क्या खाओगे अभी खाऊंगा कैसे हो सकता है? क्या का मतलब क्या है? कोई ना कोई डिश होगी ना. अब छेगा मोगल ले मैं खाऊंगा. योगी ऐसा मोगल ले यहां पर खाऊंगा. तो क्या आंसर हुआ जी?